एवरीवन, वेलकम टू एट फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ, ठीक है, एनसीईआरटी टेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा 9 है वो कंप्लीट हो चुका है, 6 भी कंप्लीट हो गया आपका, 7 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो 6, 7, 8 और 9 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा जो रह गया है वो लास्ट रह गया है 10th, जिसको हम काफ़ी अच्छे से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। 10th जो आपका क्लास है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज दी गई है, और काफ़ी बार जो जैसे कि आपका 6th तो ये हो गया कि आप उसका बेस क्लियर कर लिया आपने, 7th भी हो गया, लेकिन 9th और 10th ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और जनरली भी आप सभी लोगों को सारी नॉलेज होना ही चाहिए साइंस के बारे में, ठीक है। 10th तक का तो एकदम कंपलसरी नॉलेज होना ही चाहिए। सो इसका फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, समीकरण मैथ में भी बहुत सारी समीकरण आपने जानी होगी, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहले हम डिटेल्स में इसको थोड़ा बेस क्लियर करते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि पदार्थ, तो पदार्थ क्या होते हैं, ठीक। तो अगर पदार्थ के बारे में हम बात करें जाएँ कि पदार्थ आखिर होते क्या हैं, जैसे कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो पदार्थों में आपने देखा होगा अपने चारों ओर देखते हैं, और हम चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और पदार्थों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता हुआ हम देखते हैं। तो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो मोस्टली दो प्रकार से होता है, भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। तो अगर इसको हम डिटेल्स में जानें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आखिर क्या होता है, सो अगर हम लोग जानें फिजिकल चेंजेस के बारे में, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि जैसे कि पदार्थों में जो अवस्था होती है, ठीक है, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन ही भौतिक एक तरीके से परिवर्तन होता है, लाइक एज अ कि बर्फ़ का पिघलना और उसका जल में परिवर्तन होना, ये एक फिजिकल चेंजेस है। जल का उबलना और वाष्पवन के उड़ जाना, तो वाष्पवन गया तो ये भी एक आपका कौन सा चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे केमिकल चेंजेस की, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, लाइक ऐसा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ का इसमें निर्माण होता है, लाइक ऐसा कागज़ का जलना, तो इससे हमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। देन फलों का पकना, तो नए पदार्थ का परिवर्तन होता है। तो ये जो जिसमें नए पदार्थ का परिवर्तन होता है उसे हम लोग रासायनिक चेंजेस बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, सीधे चैप्टर के सीधा मुद्दा हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो अगर हम इसके मुद्दे पे बात करें तो हम लोग जानेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको पता है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या फिर अभी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं या फिर जलते हैं, तो चमकदार जैसे खेत लो एक तरीके से इसका दहन होता है, मतलब दहन में परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो आपका श्वेत चूर्ण मतलब वाइट पाउडर एक तरीके से प्राप्त होता है हमें, ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ आ रहा होगा, और यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। आपको पता है कि जो श्वेत चूर्ण होता है मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये, मतलब जैसे कि अगर आपको इसका बताया जाए कि मैग्नीशियम, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस आपका क्या होता है ऑक्सीजन, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक, ऑक्सीजन हो गया। अब इसको तब दहन, ठीक है, दहन करने के बाद से हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, मतलब हमारे चारों ओर जो विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती रहती हैं, ये तो नॉर्मली सी बातें होती रहती हैं। अगर रासायनिक समीकरण की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है, अगर इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये चलते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में आप जानेंगे, जैसे एम जी अगर बोले तो कि परमाणु की संख्या, एम जी में परमाणु की संख्या कितनी हुई, एक हुई, ठीक। अगर लिखा हुआ है 3 एम जी,
ठीक है, अगर लिखा हुआ है कहीं पे 3 mg, तो 3 mg में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है। अगर बोला जाए O2, तो O2 का मतलब क्या हुआ? O2 का मतलब कि ऑक्सीजन का एक अणु है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक अणु और दो परमाणु से मिलके बना होता है। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में भी बता चुके हूँ। अगर बोला जाए कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है आपकी? 2। ठीक है, तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी हुई? 2 हुई। अगर बोला जाए आपसे, अगर इसके आगे O2 के आगे एक ये O2 हुआ और इसके आगे हमने एक 2 और लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? परमाणु की संख्या इसमें कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कर देंगे इसका। टोटल 2 2 जो कितना होता है? 4 होता है। तो इसकी कितनी होगी? 4 होगी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से समीकरण हुआ। अगर लिखा जाए ऐसे कि हाँ क्या लिखो, हाँ MgCl2, तो अब इसे क्या बोलेंगे? मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है कि इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, और क्लोरीन के इसमें कितने हैं? 2 परमाणु हैं। Mg मतलब एक परमाणु, और Cl2 इसमें 2 परमाणु हो गए। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक, तो अगर बात करी जाए यहाँ पे कि हमने क्या लिया, 4 Mg Cl2, तो 4 Mg Cl2, सॉरी सिर्फ फिर से मैंने अंडरलाइन कर दिया, सॉरी। हाँ, तो 4 Mg हो गया और आपका Cl2 हो गया। तो मतलब मैग्नीशियम के इसमें कितने परमाणु हुए? मैग्नीशियम के इसमें 4 परमाणु हुए, और क्लोरीन के इसमें कितना हुआ? Cl2 दे रखा है ना, तो 4 2 जो कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें 8 परमाणु हुए, क्लोरीन के 8 परमाणु हुए। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको ये यहाँ पे नोट कर लेना है कि किसी भी रासायनिक सूत्र से जो भी पहले है, कोई डिजिट हमने लगा दिया, जैसे कि हमने अभी Mg के आगे 4 लगाया था ना, तो ये फर्स्ट वाला जो डिजिट है, ये सभी तत्वों के साथ एक तरीके से इसको एप्लीकेबल ये रहेगा। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर रासायनिक समीकरण के बारे में बात करें, तो जैसे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके से परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको पता है कि ये अभिकारक और एक तरीके से उत्पाद, ये क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो भी मतलब नए पदार्थ होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब उत्पाद बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अगर जैसे बोला जाए कि Mg, ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें कि Mg+O2, ठीक है, Mg+O2 हो गया। ये आपका Mg क्या है? Mg आपका अभिकारक है, O2 भी आपका अभिकारक है। अब इसका दहन करा हमने, दहन करने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ MgO। तो MgO क्या हुआ? आपका उत्पाद हुआ, क्योंकि वो हमें इससे उत्पन्न हुआ, दहन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ, तो वो इसका उत्पादन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। होप आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर बोला जाए आपसे कि ये क्या हुआ आपका, कि रासायनिक, ये जो हमने आपको समीकरण बताया, ये समीकरण संतुलित एक तरीके से, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे बोला जा सकता है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसका ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो आप जानेंगे यहाँ पे 2 Mg, 2 Mg+O2, और दहन के बाद हमें प्राप्त होता है 2 Mg O। ये कैसे हुआ? अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रासायनिक है, ये संतुलित है। कैसे? अब जैसे कि हम डाल इसको जानते हैं, जैसे अगर हम जानते हैं इसको, तो इसमें क्या हुआ जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें Mg मतलब परमाणु इसमें 2 थे, और O का परमाणु भी इसमें 2 हुआ। अब Mg जो अगर हम बोलें कि Mg परमाणु 2 हो गया, और O का परमाणु भी 2 हो गया, तो इस चीज़ को यहाँ पे इस प्रकार आपको समझ लेना है। और कोई भी डाउट रहता है आपको पूरी वीडियोस देखने के बाद में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का इतना सा भी डाउट रहे ना प्लीज़ आपको क्लियर कर लेना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, तो आप लोग इसको पढ़ के आना एक बार घर से, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच।